हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है सीजीएल 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका आगे पेपर होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा और उनका जो सोर्स है, वीडियोज़ आपने कहाँ से देखने हैं, हैं ताकि इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे तो आपके मार्क्स के अंदर बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपना एग्ज़ाम है, इसके अंदर इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं और जो बार बार आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 10 सालों से मैं टीच कर रहा हूँ, तो मुझे पता वो क्या करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो जिन कंसेप्ट को वो इस रेंज में पूछता है एग्जाम के पास, अगर वो कंसेप्ट हमें स्ट्रिक्टली मिल जाए कि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेज और आ रहा है, ठीक है, तो उनको जब आप रिवाइज कर लेते हो या किसी ने नहीं देखा है तो देख लेते हो, तो उससे मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और इस वीडियो में कितने मार्क्स के बारे में मैं बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। 8 नंबर ये रहे और 2 नंबर ये रहे, 8 और 2 10 और 2 12 हैं, तो 12 नंबर तो ये प्योर पक्के हो गए, और उसके अलावा 2 और 2 4 और 2 6 6 नंबर ये मान लो। ठीक, तो 18 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, और मिनिमम टाइम के अंदर स्ट्रिक्ट, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कंटेंट है जो आपने फिलहाल देखना है, किसी ने देख लिया है तो उसने क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ओके जी, तो मैं जो भी कंटेंट बताऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी वो कैसे मिलेंगी, कहाँ ढूंढूंगा। ठीक है, नंबर वन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें वो सारी वीडियोस पड़ी हुई मिलेंगी। प्लेलिस्ट का नाम होएगा सीजीएल 2024 मैथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, आपको लिंक मिलेगा सीधा। ओके जी, तो जिस बंदे ने पहले देख लिया है वो रिवाइज कर लेगा डबल एक्स 2x स्पीड के ऊपर, डबल स्पीड पे। लेकिन अगर आपको किसी कंसेप्ट के अंदर 100% कॉन्फिडेंस है कि इसके क्वेश्चन को तो उड़ा ही डालूंगा, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो भैया आप देख लो, अगर आप वाकई में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो एग्जाम के अंदर तो। ठीक है, एंड आगे जो और कंसेप्ट है जिनके ऊपर वीडियो बनानी सही रहेगी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैं एडवांटेज में कर सकूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेरा ये ध्येय रहता है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं मैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज दूँ, ऐसा कुछ करूँ कि उनको एज मिले। ठीक है, और इवन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि भाई लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, आप टेंशन लो ही मत, आपको जो पढ़ाया गया है अब तक आपने फॉलो किया है, तो आप लोग जो रिव्यू दोगे पेपर का, अगर मॉडरेट आएगा तो आप लोग इजी दोगे कि अरे इजी था, क्योंकि पेपर का रिव्यू तो आपकी तैयारी के लेवल पर, आपने किस डायरेक्शन में क्या पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड होता है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो नंबर वन, जैसे 2 दिन पहले DIE करवाई थी और क्या लिखा हुआ यहाँ पर एक बात बताना जरा, कि 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर का पूछा गया और CGL में भी आएगा, एक वीडियो इजिकल टू 8 मार्क्स, तो ये 2 वीडियो डाली थी। तो ये नहीं है कि लाइक मैं कोई ज्ञाता हूँ ज्योतिषी हूँ, सिंपल सी बात है यार, वो जिस हिसाब का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इतने सालों से एग्जामिनर को देख रहे हैं, उसके बेस पर सेंसिबल जो लगता है, हैं वो एक टीचर आपको बताता है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखी, तो उनको वो जो क्वेश्चन है, जिनको बच्चे, जिनको लोग डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिव बता रहे हैं, लेंथी बता रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन करके आए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्लियर है तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो देख लेना भाई, आपको कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पहला कंटेंट ये यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, उस प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को खोलना, वहाँ पर सब मिल जाएगा। दूसरा कंटेंट इलेक्शन, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम बात, रिवीजन कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, यहाँ से एक पर्सन आएगा, 2 नंबर ये हो गए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब पर कहीं पर भी दुनिया के किसी भी पेड कोर्स में इससे आसान किसी ने समझा रखा हो ही नहीं सकता आज के दिन तो। ठीक है, तो ये आप देख लेना, उसी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तीसरा आ रहा है, देन चौथा रेसिस, इसके अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आया था, तो वो अगले, ये नहीं है कि फिर आप सर्कुलर ही देखोगे, तो अगले शिफ्ट में वो लीनियर का पूछ लेगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में ना भी पूछे, तो हम चलते हैं चांसेस के ऊपर।
हम किस चीज़ के ऊपर चलते हैं कि किस चीज़ के चांसेस बहुत हाई हैं, जैसे इस चीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है, बट मैं एफिडेविट पर लिख के तो नहीं दे सकता, मेरा घर ले जाना आठ नंबर का ना है तो ठीक है। तो सेंसिबल इज चांसेस, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि आपकी शिफ्ट के अंदर ही आएगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक इसके अंदर लीनियर और सर्कुलर दोनों मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, बहुत पहले पढ़ाया ये, बहुत पहले इन द सेंस अभी 20-25 दिन तो हो ही गए होंगे ये पढ़ाए हुए, ठीक है। ये भी मैं लिंक में डलवा दूंगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, वो ये बोल रहे हैं चोर पुलिस वाला, ये भी मैं डलवा दूंगा, ये भी देख जाना भाई है। जैसे ये एक घंटे की वीडियो है तो डबल स्पीड पे करके देखोगे तो आधे घंटे में तो वीडियो कंज्यूम होएगी है, 15-20 मिनट में आप भी सवाल करोगे अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आधे पौने घंटे में खल्लास। फिर इसका क्वेश्चन जो दिखेगा, देखो मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया एक बार, तो जब आप एक बार और देख लेते हो उसको तो बहुत एक्सट्रीम क्लैरिटी आती है, और एक बार फिर उसका PDF कर लेते हो तो कहने ही क्या। फिर जो क्वेश्चन, कई बार क्या होता है आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, 2 महीने बाद उसका क्वेश्चन करने को मिला, तो फिलहाल तो माहौल बनाएगा ना दिमाग, उसको समझेगा, लेकिन अभी तुरंत ही किया है तो क्या होता है, वो बिल्कुल वार्म अप है, वो तुरंत समझ जाएगा, तुरंत लाइक आधे काम दिमाग में ही कर देगा। तो इन टॉपिक्स को ताज़ा करके चले जाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जरूर करके चले जाओ ताज़ा नहीं है तो, ठीक है। ओके जी, और एक और छोटी सी बात, एग्जैक्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस, 25 में से 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस वर्सेस एग्जाम का रिव्यू, एक बार इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई मैं ठीक ठाक गाइडेंस दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो एक बार, जब मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊँ, मान लो एक ये क्वेश्चन आया, एक वो क्वेश्चन आया, एक ये क्वेश्चन आया, इसमें से कोई भी एग्जाम होता है 60-70% क्वेश्चन तो ईजी ही आते हैं, ये तो सारे स्टूडेंट कर लेंगे, इनको जान के आप क्या ही उखाड़ लोगे। मेनली जो कंसेप्ट होता है कि चोर पुलिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉइन वाले कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं, रेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो ऐसे कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये रेसिस पर आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्यों आपकी शिफ्ट में क्या पता जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसमें रेसिस का नंबर डाल रखा हो एग्जामिनर ने, तो आप फोकस करो कि अच्छा किस तरह का ओवरऑल पेपर आया है और कैसे कैसे कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं ना, इनकी वीडियो मैं आपको बता रहा हूं जो ऑलरेडी बनी है वो, और अगर नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी मैं बना दूंगा, सिंपल अभी बना के मैं डालूंगा। क्लियर है? तो आप सब्सक्राइब कर लो या जो भी है चैनल के ऊपर नजर रखो, ठीक है भाई, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप दो चैनल हैं अपने, उन दोनों चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके जी, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है कि अच्छा इस कंसेप्ट के ऊपर पेश आ रहे हैं, अदरवाइज जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ वहीं से आ रहा है 100%, बट जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है उसको अगर हम ताज़ा पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे तो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर वो हमने कई दिन पहले पढ़ा था, बस ये पॉइंट है। क्लियर है? तो इसमें मत टाइम वेस्ट करो। और ऊपर से बात क्या है, 50 मिनट की वीडियो बना देंगे लोग, उनमें से 25 मिनट बकैती करेंगे, तो प्लीज़ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, अननेसेसरीली 2 घंटे एनालिसिस देखोगे, फिर अगली शिफ्ट आ जाएगी, टायर्ड रहोगे। मैंने पहली शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया, अब मैं सारी शिफ्ट का एनालिसिस, यानी कि 5 मिनट में करवाया था, 5-6 मिनट में जितने की भी ज़रूरत होगी सारी शिफ्ट का एनालिसिस करवा दूंगा। उसके बाद हो सकता है 1-2 दिन ही करवाऊँ और उसके बाद मैं ना करवाऊँ, वो भी सिर्फ इसके लिए कि भाई ये मिल जाए आप लोगों को कि हाँ ऐसा पेपर आ रहा है। और एक और बात बताऊं, कई बच्चों को ये लगता है कि एनालिसिस जो मैं रिव्यू दे रहा हूं हो सकता है उससे भी अनफेयर एडवांटेज मिल रही हो आगे वालों को। देखो ये पहले दिन पेपर है इन बच्चों का सेकंड डे पेपर है, तो पहले दिन जिनका पेपर था उनको एनालिसिस तो नहीं मिला, बट उनको मार्केट में कचरा भी तो नहीं मिला, ये आएगा वो आएगा। इनके पहले ये जो पेपर देने जाएंगे ना, उससे पहले मार्केट में इतना कचरा होगा कि इनको उस डिस्ट्रैक्शन से बचना भी है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, इससे बचना, आप इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अपन इससे अच्छा पता क्या, अपने माइंड को रेस्ट दे लो, कुछ देखो ही ना, मैं आपको 5 मिनट में रिव्यू दे ले आऊँगा, उसके बाद अगर कुछ जानने लायक चीज़ होगी तो ही मैं लाऊँगा, पहले भी ऐसे ही ला रहा था अब भी ऐसे ही लाऊँगा जानने लायक चीज़, ठीक है भाई।
उम्मीद है इन चीज़ों को आप यूज़ करोगे इस एग्ज़ाम के अंदर, और मुझे तो बस इंतज़ार है कि आप लोगों का टीयर वन का रिजल्ट आए, और मतलब मुझे पता है अब की बार आग लगने वाली है सिलेक्शंस के अंदर। ठीक है, रिलैक्स रहो, जो पढ़ाया है वही आ रहा है, रिलैक्स होके करो। ठीक है, कुछ ऐसा हमेशा ऐसा ही रहा है, हमेशा से मैं आपको यही बोलता रहा हूँ, SSC का हर साल का काम है यार, वो यही करता रहेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।